myself Pallavi पल्लवी गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मेड इजी तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ हाउ टू यूज द वर्चुअल कैलकुलेटर इफेक्टिवली सो जनरली वी हैव सीन दैट व्हेन द गेट एग्जाम इज ओवर तो हमें जब स्टूडेंट्स फीडबैक देते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम बहुत ही अच्छा पेपर था बहुत ही ईजी पेपर था हमने जो पढ़ा था वो सभी आया एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी बट जैसे ही हम लोग आंसर की रिलीज करते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि जितना उनका टोटल मार्क्स का एक्सपेक्टेशन था उतना उनका नहीं आ रहा एंड कितने स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं चलता कि इसका रीजन क्या है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस इज दैट दे हैव नॉट द वर्चुअल कैलकुलेटर प्रॉपरली उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करते टाइम कुछ मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से जो उनका फाइनल आंसर था वो गलत आया कॉन्सेप्ट सही था फॉर्मूला सही था सब कुछ एकदम करेक्ट था बस कैलकुलेटर में मिस्टेक हो गई तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आपकी वो सारी मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर सके ठीक है तो लेट स्टार्ट विद दिस डिस्कशन ऑफ टुडे सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दिस बोर्ड मास रूल ये कुछ नया नहीं है ये हमने बचपन में सभी ने पढ़ा है बट अब अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन डेफिनेटली सही आएंगी तो बोर्ड रूल एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं बोर्ड का मतलब बी फॉर ब्रैकेट फॉर ऑर्डर डी फॉर डिविजन एम फॉर मल्टीप्लीकेशन ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन ठीक है ऑर्डर ब्रैकेट यह सब आपको पता है आपको यहां पर सिंबल भी दिए गए अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे कम क्यों बोल रही हूं क्योंकि सिर्फ यही फॉलो नहीं करना और भी कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो हम वन बाय वन अभी देखेंगे एक दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमें याद रखनी है फॉर प्रॉपर कैलकुलेशन इज दैट हाउ टू यूज ब्रैकेट्स अगर आप ब्रैकेट का सही यूज नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग आएंगी सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स टू सी हाउ दिस कैलकुलेटर एक्चुअली वर्क ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल पहले स्टार्ट करते हैं हम बहुत ही बेसिक uh, कैल्कुलेशन से लेट सपोज मुझे ये चीज कैलकुलेट करनी है टू बाय थ्री माइनस फाइव अब इसका आंसर आपको सभी को पता है इसका आंसर आना चाहिए माइनस वन आंसर क्या होगा माइनस वन अब इसमें करके देखते हैं अगर तो टू है डिवीजन में थ्री माइनस फाइव अगर आप ऐसे ही इनपुट कर देते हो तो क्या आंसर आ रहा है देखिए ठीक है आपने देखा आंसर क्या आया आंसर आया माइनस फोर पॉइंट थ्री वो क्यों आया है क्योंकि यू डिडेंट टेक केयर ऑफ द बॉडमास रूल वॉडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिविजन होगा देन सब्ट्रैक्शन होगा तो जैसे ही आपने ये इनपुट प्लीज टेक केयर ऑफ द इनपुट लाइन ओवर हियर आप देखेंगे पहले हो रहा है टू बाई थ्री एंड देन होगा माइनस फाइव जबकि हमें ये नहीं करना था तो इसीलिए मैंने जैसा आपको बोला कि ब्रैकेट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है तो हियर वी विल टेक हेल्प ऑफ दी ब्रैकेट कैसे इसको क्लियर आउट करेंगे पहले क्लियर किया लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो ठीक है ब्रैकेट का यूज करना है कैसे करेंगे ब्रैकेट का यूज तो मुझे पता है ये पूरी क्वांटिटी ये जो थ्री माइनस फाइव है ये पूरी क्वांटिटी है वो डिनोमिनेटर है तो इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए टू डिवाइडेड बाय ब्रैकेट थ्री माइनस फाइव एंड नाउ यू कैन सी योर आंसर इज माइनस वन ठीक है तो इस तरीके से हमें ब्रैकेट और बोर्ड मास रूल का ध्यान रखना है तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था ठीक है अब एक और अगर एग्जाम्पल लू मैं कंटिन्यूएशन में एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस सी बटन बिफोर स्टार्टिंग एनी फर्दर कैलकुलेशन ठीक है तो सी बटन हमेशा प्रेस कीजिए अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ दिस वॉज फर्स्ट वन सेकेंड वन इज लेट सपोज टू प्लस थ्री माइनस फाइव एंड लेट सपोज फाइव इंटू फाइव बाय ठीक है अब मैं इसको अगर डायरेक्टली इसी फॉर्म में टाइप करूं हमारे कैलकुलेटर में तो लेट सी टू प्लस थ्री माइनस फाइव ओके एक चीज आप यहां नोट करेंगे मैंने फाइव जैसे ही डाला ओवर हियर इन द सेकेंड लाइन तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है मैं यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देती हूँ कि ये जो लाइन है ना यहाँ पे आपका हमेशा इनपुट शो होने वाला है जो आपने रिसेंटली इनपुट दिया है वो शो होगा या फिर यहाँ पे आपका रिजल्ट शो होगा आई विल इलाबोरेट दिस इन टाइम बट अभी के लिए ध्यान रखो कि यहाँ पे सेकेंड लाइन में इनपुट या रिजल्ट शो होगा और यहाँ पे आपकी एक्चुअल इक्वेशन जो फॉलो हो रही है जैसे कि टू प्लस थ्री माइनस अब फाइव आने वाला है तो देखो फाइव आएगा अब यहाँ पे है ना जब मैं आ, दूसरा ये चीज लगा दूंगी प्लस लगाया तो 5 वहां आ गया फिर वापस हमें 5 फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एस्ट्रिक साइन देन 5 डिवाइडेड बाय 2 अभी मैंने कोई भी ब्रैकेट का यूज नहीं किया है एंड नाउ यू कैन सी आंसर इज 12.5 और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं बाय हैंड और बाय योर नॉर्मल कैलकुलेटर योर आंसर विल बी 12.5 ओनली मतलब आंसर इस बार करेक्ट आया है विदाउट इवन यूजिंग ब्रैकेट क्यों क्यों ऐसा हुआ है क्योंकि इसमें भी बॉर्ड मास रूल फॉलो हो रहा है विदाउट इवन अप्लाइंग द ब्रैकेट दैट्स इट ठीक है तो हमेशा ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है आपको कब करना है जब ऐसी ऐसी सिचुएशन कुछ हो जहां पे आपको पूरा एक बंच एक साथ ऑपरेट करना है ठीक है और एग्जांपल देखेंगे आपको क्लियर होगा सुनाओ so एक और चीज जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो हमारा रियल साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है और ये जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसमें एक मेजर डिफरेंस है क्या डिफरेंस है तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं फॉर एग्जाम्पल हमको कैलकुलेट करना है एल एन सेवन एल एन मीन्स नेचुरल लॉग ओके या फिर यू कैन से लॉग टू द बेस ई तो ये चीज कैलकुलेट करनी है अब आप नॉर्मली अपने रियल कैलकुलेटर में ये चीज करोगे तो कैसे करोगे आप एल एन फंक्शन टाइप करोगे है ना आप अपना कैलकुलेटर निकाल लीजिए साथ साथ में इस कैलकुलेटर पे ऑपरेट करके देखिए तब आपको रियलाइज होगा कि इसमें और इस वाले में क्या डिफरेंस है तो कैलकुलेटर निकालिए टाइप एल एन सेवन फाइंड कीजिए तो आप क्या करोगे सबसे पहले आप एल एन को क्लिक करोगे एंड देन यू विल टाइप सेवन और आपका आंसर आएगा वन पॉइंट नाइन फोर सिक्स ठीक है लेकिन यहां पे थोड़ा सा अपोजिट है अपोजिट क्या है अपोजिट ये है कि हमें यहाँ पे पहले अपना डेटा देना पड़ता है अपना इनपुट देना पड़ता है और फिर उस इनपुट से हमें क्या करवाना है उस उस इनपुट इनपुट का का हमें हमें स्क्वायर रूट लेना लेना है उस का हमें लेना है नेचुरल लॉग या फिर उस इनपुट का हमें साइन कैलकुलेट करना है वो हम बाद में करते हैं तो बेसिकली क्या है ये स्टेप आप दिमाग में रखिए कि सबसे पहले हमें इनपुट देना है इनपुट देने के बाद में हमें फंक्शन टैप प्रेस करना है ठीक है जैसे कि अगर मैं नॉर्मली कैलकुलेट करूं ये अगर मैं नहीं करूं और नॉर्मली कैलकुलेट करूं पहले एल एन टाइप करूं तो आप देखो आंसर आ रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी वो क्यों आ रहा है क्योंकि उसने वो जो ऑलरेडी प्रेजेंट जीरो था उसको उसका एल एन निकाला है ठीक है आई गेस आपको डिफरेंस समझ में आया है तो कैसे करना है पहले हमें इनपुट देना है कि ये भैया हमारा इनपुट है इसके साथ अब वो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके साथ क्या करें तो आपको बोलना है कि इसका एलन ले लो एल एन ले लो और आगे वापस आपका आंसर ठीक है सो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले इनपुट देंगे और फिर बताएंगे कि आपको इस इनपुट का क्या करना है यह आप अगर माइंड में लेके चलोगे तो आपके क्वेश्चंस एकदम करेक्टली फॉलो होंगे तो जैसा कि मैंने कहा था एवरी टाइम आप प्रेस करेंगे सी को बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट कैलकुलेशन तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल वेर वी कैन साइमल्टेनियसली सी द यूज ऑफ द ब्रैकेट्स एंड द फंक्शन टैब ठीक है तो जो फंक्शन में इस बार यूज करने वाली हूँ वो ये स्क्वेयर रूट वाला फंक्शन रहेगा तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आई वॉन्ट टू कैलकुलेट वन थ्री टू सेवन टू डिवाइडेड बाई फाइव और इसका इस फुल का स्क्वेयर रूट ठीक है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको एक बंश के साथ ऑपरेट करना है उस बंश को आप ब्रैकेट्स में डाल दो तो हम क्या करेंगे इस पूरे चीज को ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि इस पूरे का हमें स्क्वायर रूट लेना है ठीक है तो लेट्स प्रोसीड लेट्स सी तो सबसे पहले ओपन ब्रैकेट करेंगे फिर वन थ्री टू सेवन इंटू टू डिवाइडेड बाय फाइव है ना ये देखो इनपुट आया है यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज ये पूरी क्वांटिटी आप देख सकते हो अभी तक आपने क्या किया है और ये जो आया है ठीक है ये क्या आया है ये आपका रिजल्ट आया है ऊपर वाले एक्सप्रेशन का अब आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है तो जैसे मैंने बताया था पहले इनपुट देंगे फिर उसको बताएंगे क्या करना है इसका तो इनपुट तो हमारे पास आ चुका है इसका हमें क्या करना है बताओ क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है तो आप देख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 530 ऊपर लिखा आ गया है और आंसर जो है हमेशा इक्वल टू प्रेस करेंगे कितनी बार होगा कि आपको इक्वल टू प्रेस करने से भी गलती हो जाएगी इसलिए बार बार इक्वल टू प्रेस करते रहिए तो आपका आंसर आ गया है ट्वेंटी आई गेस आपको क्लियर हो गया नेक्स्ट चीज देखते हैं सो नाउ लेट अस सी वन मोर वेयर आई विल बी यूजिंग द ब्रैकेट्स एंड दिस स्क्वायर रूट फंक्शन एंड मे बी सम अदर फंक्शन सो लेट सी द एगाम्पल ये इस बार हम कैलकुलेट करने वाले हैं कोई भी रैंडम एग्जाम्पल है ये और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में लेट सपोज वी हैव दिस होल पावर होल पावर वन बाय फाइव ठीक है होल पावर वन बाय फाइव तो इसको कैसे करेंगे ये देखिए So first of all, आपको दिख रहा है है कि square root के अंदर हमारे पास एक bunch of quantities है। जब भी bunch of quantities आएगा ब्रैकेट so so फिर हमें लिखना है थर्टीन इंटू टू फिफ्टी सिक्स ओके क्लोज ब्रैकेट ये हमारा रिजल्ट आ गया इस चीज का ओके okay, नाउ इसका क्या करना है आपको अब आप फंक्शन बताना है फंक्शन जैसा मैंने बोला था अपोजिट चलता है हमारे रियल कैलकुलेटर से तो अब आप फंक्शन बताओगे कि इसका आप स्क्वायर रूट ले लो तो स्क्वायर रूट ले लिया ये आपका आंसर आया है इस पूरे ब्रैकेट का अब आपको क्या करना है इसके साथ में कुछ और मल्टीप्लाई करना है वो भी एक बंच ऑफ क्वांटिटीज है तो अगेन वी विल यूज ब्रैकेट लेट सी हाउ तो मल्टीप्लाई में है हमारे पास अगेन एक बंच ऑफ क्वांटिटी तो ओपन ब्रैकेट अब क्या करेंगे यहां वन बाय फाइव है ठीक है तो आप इसको या तो ऐसे ही कर सकते हो अगेन एक ये बंच है तो आप क्या कर सकते हो कि आप ब्रैकेट ओपन करो वन बाय फाइव लिखो प्लस आ, देन फिर ब्रैकेट ओपन करके टू बाय थ्री लिखो या फिर एक और चीज हम कर सकते हैं सी हियर आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं विच इज वन बाय एक्स ठीक है तो आप क्या टाइप करोगे फाइव ठीक है ये आपने इनपुट किया अब आप इसको बता रहे हो फाइव को क्या करना है फाइव का वन बाय एक्स करना है रेसिप्रोकल करना है तो देखो रेसिप्रोकल ऑफ फाइव क्या होता है पॉइंट टू होता है ये सिर्फ इसका रिजल्ट आया है, ये पूरा नहीं आया है अभी ये ध्यान रखिएगा सो पॉइंट टू अब हमें क्या करना है इसमें इसमें ऐड ऐड करना है इसमें करेंगे अगेन अ बंच ऑफ क्वांटिटी सो ब्रैकेट ओपन टू बाई थ्री ब्रैकेट क्लोज ठीक है और एक और ब्रैकेट हमारा बाहर था तो उसको भी क्लोज करेंगे अब इसकी पूरी पावर हमें वन बाई लेनी है उसके लिए ठीक है इसको आपको अगर इन्फॉर्मेशन है तो अच्छी बातें नहीं है तो मैं बता देती हूं इसको हम बोलते हैं फिफ्थ रूट ये फिफ्थ रूट लेना है हमें यार ठीक है है फिफ्थ रूट लेना है, तो कैसे लेंगे देखिए ये पूरा हमने ब्रैकेट में लिख दिया अब आप इसका ये वाला चीज यूज कर सकते हो जिसमें हम यूज कर रहे हैं बेसिकली दिस फंक्शन इज फॉर वायथ रूट वायथ रूट ऑफ एक्स ठीक है तो हमें यहाँ वाई क्या है फाइव है तो कैसे कर सकते हैं ये यूज कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर वाला ये वाला भी यूज कर सकते हो जिसमें आपका वाई हो जाएगा वन बाय फाइव ठीक है तो मैं आपको ये वाला यूज करके बताती हूँ जिसमें वायथ रूट ले रहे हैं हम ठीक है तो मैं मुझे अब ये यूज ये चीज यूज करनी है तो x हम ऑलरेडी डाल चुके हैं x क्या है हमारे लिए ये क्वांटिटी x डाल दिया उसके साथ क्या करना है अब इसको बताओ आप तो उसके साथ ये करना है वायथ रूट लेना है अब वो पूछ रहा है वाई रूट मतलब आपको वाई की वैल्यू डालनी है तो वाई क्या है हमारा ध्यान रखना वन बाय फाइव है लेकिन जब रूट बोलेंगे तो ये फिफ्थ रूट कहलाएगा वन बाय फाइव मत लिख देना वापस तो इट इज फाइव हियर एंड दिस फाइव यू हैव इनपुट नाउ यू हैव टू प्रेस इक्वल टू एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर ठीक है, so हमने दो चीजें देख ली एक तो वायर रूट कैसे निकालना है और उसके बाद ये वाला तो आप इजीली यूज कर ही सकते हो ठीक है हमेशा वही चीज पहले आप इनपुट डालो जैसे कि अगर मैं इसका भी एक पावर थ्री ठीक है तो क्या करेंगे पहले इनपुट देंगे सो गिव द इनपुट ये है हमारा एक्स इसके साथ क्या करना है इसके साथ एक्स टू दी पावर वाई करना है पावर क्या है हमारी पावर है थ्री सो दिस इज सेवेंटी सिक्स पावर थ्री नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल एंड फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू वन थर्टी सेवन स्क्वा स्क्वायर प्लस वन थर्टी नाइन स्क्वायर और होल ओवर अंडर रूट ठीक है ये निकालना है एक गो में निकालेंगे ऐसा नहीं है कि हम हर बार निकाल आ, इसको हर वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर स्क्रिपल पैड में लिख रहे हैं ओके दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम तो इसीलिए हम एक साथ करेंगे कैसे करेंगे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर फंक्शन का यूज होगा यहाँ पे बहुत ही ईजी है पहले आप क्या बोलोगे कि हमको ये हमारा इनपुट है इसके साथ क्या करना है इसका स्क्वायर लेना है तो बोल दो स्क्वायर ले लो ठीक है अब इसमें एड करना है फिर हमारा इनपुट डालेंगे वन इसका क्या करना है स्क्वायर लेना है ठीक है आप देखते रहिए ऊपर चेक होता रहेगा आपका कि आप सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे देन प्लस 139 इसका ओहो गलती हो गई तो एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी एक बार गलती हो जाती है तो इसमें कुछ भी डिलीट का ऑप्शन नहीं है वापस से आपको स्टार्ट करना रहेगा पूरा कैलकुलेशन ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखिए और आप अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे इस कैलकुलेटर की तो ऐसी मिस्टेक्स थोड़ी कम हो जाएंगी तो अगेन आई विल बिगिन अगेन आई विल बिगिन आई विल जस्ट प्रेस सी सो 137 थर्टी सेवन 138 वन प्लस वन स्क्वायर ठीक है एंड अभी ये क्या है ये जो है इधर जो है माइंड दिस कि ये फाइनल आंसर नहीं है ये क्या है ये सिर्फ ऑफ 139 का आंसर है कीप दिस इन माइंड तो अब क्या करना है फाइनल आंसर के लिए इक्वल टू प्रेस करना है ये है आपका फाइनल आंसर ठीक है यह है आपका फाइनल आंसर और अभी इस पूरी क्वांटिटी का हमें अंडर रूट लेना है तो इसका ले लो अंडर रूट तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ठीक है सो टिल नाउ व्हाट वी वी हैव हैव सीन सीन द यूज ऑफ बॉडमास ब्रैकेट्स वी हैव सीन द यूज ऑफ द स्क्र रूट वन बाय एक्स देन दिस पर्टिकुलर वाइथ रूट फंक्शन दिस इज वाई पावर फंक्शन एंड एक्सर सिमिलरली एक्सक्यूब का भी सेम प्रोसीजर है है ना एक्सक्यूब भी सेम ही है आप लोग काफी स्मार्ट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं ये चीज आप लोग कर सकते हो ठीक है अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे सो नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ दिस लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे कि अगर लेट सपोज आपको कैलकुलेट करना है एल एन सेम चीज पहले आप डालोगे इनपुट ओके okay, पहले आप डालोगे इनपुट फिर बताओगे इसको किसका क्या करना है इसका हमें एल लेना है नेचुरल लॉग लॉग टू द बेस ई ठीक है ये आ गया आपका आंसर अगर यही आपको ये चीज कैलकुलेट करनी होती लॉक सेवन माइंड इट लॉक सेवन का मतलब है बेस क्या होता है बेस टेन होता है ठीक है तो लॉक सेवन अगर कैलकुलेट करना है सबसे पहले सी प्रेस करेंगे फिर वापस डालेंगे आपका इनपुट और फिर फंक्शन तो ये लॉक सेवन आ जाएगा ठीक है ये सब तो ईजी था अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये चीज कैलकुलेट करनी है लॉग सेवन बट बेस इज नाइदर ई नॉर टेन ठीक है बेस कुछ अलग ही वैल्यू है दैट इज थ्री तो उसके लिए हम वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन ओवर हियर ओके सो लेट्स सी हाउ टू यूज दिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनपुट देना है के x क्या है हमारा यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे लैबोरेटली मेंशनड है कि जो आपका मेन नंबर होगा जिसका लॉग आप ले रहे हो वो आपका x होगा और जो बेस में नंबर है वो आपका y होगा ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एंटर x तो उसके लिए सबसे पहले प्रेस c ठीक है x क्या है हमारा अगेन 7 ही है तो 7 ले लिया अब आपको बोलना है कि इसका क्या करें इसका क्या करना है इसके लिए आप फंक्शन दबाओगे फंक्शन है लॉग बेस y अब देखो यहाँ पे लिखा रहा है लॉग एक्स बेस वाई अब वो पूछा वाई क्या है तो वाई आप टाइप कर दो वाई है हमारा थ्री सो थ्री आपने इनपुट दिया प्रेस इक्वल टू यू कैन सी सेवन लॉग एक्स बेस वाई थ्री इज नथिंग बट दिस वैल्यू ठीक है ये काफी हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि ये जनरली हमारे कैलकुलेटर्स में अवेलेबल नहीं होता बट ये वर्चुअल कैलकुलेटर में अवेलेबल है सो यू कैन मेक फुल यूज ऑफ इट ठीक है उसके साथ साथ में हम एक्सपोनेंशियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल मतलब क्या फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यू वॉन्ट टू कैलकुलेट ई की पावर फाइव हम बार बार मैथ्स में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं ना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी ई टू पावर सेवनटीन ई टू पावर फाइव इस तरीके के नंबर आएंगे तो उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन ई टू द पावर एक्स क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सेम चीज आपको इनपुट देना है कि हमारा एक्स क्या है एक्स है फाइव उसके साथ क्या करना है e की पावर लेनी है तो पावर e 5 इज 148.4 फोर्टी एट पॉइंट फोर अप्रोक्सीमेटली ठीक है सिमिलरली वी हैव टेन टू दी पावर एक्स अगेन सेम थिंग फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए टेन की पावर लेट सपोज टू बाई थ्री ठीक है टेन की पावर टू बाई थ्री निकालना हैलकुलेशन नाउ यू विल एंटर फर्स्ट ऑफ ऑल योर एक्स एक्स क्या है टू बाई थ्री है टू बाई थ्री है तो लेट्स टाइप टू बाई थ्री दिस इज योर एक्स

तो इसको इसको कैसे करेंगे ठीक है तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हो टू हंड्रेड है ठीक है टू हंड्रेड डाल दिया आपने इसको मल्टीप्लाई करना है टेन की पावर माइनस सिक्स अब आप क्या कर सकते हो इस फंक्शन का यूज ले सकते हो टेन पावर एक्स उसके लिए आप पहले क्या डालोगे एक्स की वैल्यू वॉट इज एक्स एक्स इज सिक्स अरे नहीं एक्स इज नॉट सिक्स एक्स इज माइनस सिक्स तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सी ओवर हियर दिस पर्टिकुलर बटन ओवर हियर ठीक है अगर आपने माइनस सिक्स की जगह सिक्स डाल दिया है तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू आपको बस इस पर क्लिक करना है अपने आप माइनस आ जाएगा अगर ये ऑलरेडी माइनस सिक्स होता है और आपको प्लस सिक्स चाहिए होता अगेन आप इसको क्लिक करते हैं वो प्लस आ जाता ये क्यों दिया गया है ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार आपने टाइप कर दिया तो आप वापस डिलीट नहीं कर पाओगे तो आपको थोड़ा सा साइन में हेल्प करने के लिए ये टैब आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो माइनस तो सिक्स आ गया है ये हमारा इनपुट है इसके साथ क्या करना है इसके साथ हमें टेन की पावर लेनी है तो आप देख सकते हो आंसर आ गया पावर टेन और ये सिर्फ पावर टेन माइनस सिक्स आया अभी टू हंड्रेड मल्टीप्लाई नहीं हुआ है उसके लिए क्या करेंगे इक्वल टू प्रेस करेंगे सो दिस इज योर फाइनल आंसर ठीक है सो नाउ लेट सी दिस रिमेनिंग वन विच इज दिस परसेंटेज साइन ठीक है ये क्या करता है तो वेरी इजी फॉर एग्जाम्पल आपको एप्टीट्यूड के किसी क्वेश्चन में लेट सपोज यू हैव टू कैलकुलेट 38 38 38 38 ऑफ ऑफ तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो कैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे 38 और फिर इस टाइप का यूज करोगे और 38 बताओगे तो ये डायरेक्टली आपको 38 परसेंट ऑफ 38 दे देगा ठीक है ये परसेंटेज जब कभी कभी आपको एप्टीट्यूड में यूज आ सकता है तो यू शुड एटलीस्ट नो दिस वन ऑल्सो ठीक है देन वी हैव मॉड ओवर हियर मॉड ओवर हियर का क्या मतलब है लेट सपोज कि हमारे पास में कोई नेगेटिव वैल्यू है लेट्स क्लियर ऑल दिस मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है लेट्स सपोज ट्वेल्व वन नेगेटिव नहीं है नेगेटिव बनाने के लिए ये अब मुझे इसका मॉड्यूल लेना है तो मॉड्यूल वैल्यू चाहिए किसी कैलकुलेशन में तो आई कैन जस्ट प्रेस दिस पर्टिकुलर टैब ओवर हियर ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमें बहुत ज्यादा यूज आते हैं एज अ इंजीनियरिंग पर्सन तो लेट सपोज यू वॉन्ट टू कैलकुलेट साइन थर्टी डिग्री तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि यहां पर तो जनरल जो मोड है जनरली मतलब जो डिफॉल्ट मोड है वो डिग्री मोड है अगर आपको रेडियन में कैलकुलेशन करनी है तो आप यहां इस रेडियन को क्लिक कर देंगे ये जो मोड है वो मोड नहीं है मॉड है वो वो मोड नहीं है ये ध्यान रखना वो मॉड किस काम आता है आई आई विल टेल यू इन सम टाइम तो टू कैलकुलेट तो सेम प्रोसीजर है क्या करना है थर्टी का साइन लेना है तो so, पहले क्या डालेंगे X डालेंगे इनपुट तो इनपुट डाला इसका क्या करें साइन ले लें तो साइन थर्टी डिग्री इज पॉइंट फाइव है ना तो so, वही चीज है वापस वापस अगर यहीं पे मुझे लेट सपोज ये कैलकुलेट करना होगा साइन इनवर्स ऑफ ठीक है तो इसके लिए क्या करेंगे सेम चीज फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट इनपुट क्या है, है so done, आप करेंगे, इन्वर्स, so इन्वर्स क्योंकि आपको रेडियन में करना है तो आप रेडियन में इस तरीके से चेंज कर लेंगे ठीक है सो लेट्स कीप इट इन डिग्री तो जो अब रिमेनिंग पार्ट है वो है हमारा मॉड मॉड क्या है मॉड एक्चुअली सीए स्टूडेंट्स के काफी यूज में आता है लेट मी जस्ट डिस्क्राइब फॉर अदर स्टूडेंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 27 बाय 5 ये वैल्यू है और आपको इस वैल्यू का सिर्फ रिमाइंडर इस डिवीजन का सिर्फ रिमाइंडर का यूज है ठीक है रिमाइंडर क्या आएगा इसका आप इसको डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली 5 5 से 25 और रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर बचेगा रिमाइंडर डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज दू आपको सिर्फ अगर इस टू का यूज है तो आप इस मॉड का यूज कर सकते हो तो आप कैसे इसको यूज करेंगे सो ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई फाइव तो ट्वेंटी सेवन मॉड फंक्शन डिवाइडेड बाय फाइव ठीक है एंड इक्वल टू दैट इज योर आंसर टू तो ये मैकेनिकल uh, सिविल में तो मे बी कहीं यूज आए या ना आए बट सीएस में डेफिनेटली यूज आता है तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं

ओके तो फर्स्ट वी हैव इज एम सी नाउ एम सी इज फॉर मेमोरी मेमोरी क्लियर ठीक है ये आपके जो कैलकुलेटर में अगर कोई डेटा आप सेव करते हो उसको क्लियर करने के लिए ये टैब यूज करेंगे देन वी हैव एम आर एम आर स्टैंड फॉर मेमोरी रिकॉल टैब किस काम आता है कि आपने जो डेटा सेव किया हुआ है उसको आपको रिकॉल करना है मीन आपको उसको यूज करना है अपने कैलकुलेशन में तो आप इस टैब का यूज करोगे देन वट वी हैव इज एम एस अब तो आपको पता चल गया होगा एम स्टैंड फॉर मेमोरी एंड एस मीन मेमोरी स्टोर वॉट डज इट मीन कि अगर आपको कोई डेटा है जो कंप्यूटर में स्टोर करना है उसकी मेमोरी में स्टोर करना है कंप्यूटर इन द सेंस कैलकुलेटर तो आप इस एम एस का यूज कर सकते हो देन वी हैव एम प्लस एम माइनस तो एम प्लस का मतलब है मेमोरी में प्लस करना है मेमोरी में एड करना है तो ऑलरेडी जो भी डेटा आपका मेमोरी uh, में है उसमें अगर आपको कोई और चीज ऐड करनी है तो आप एम प्लस कर दोगे और अगर सिमिलरली अगर कोई चीज माइनस uh, करनी है जो डेटा स्टोर है उसमें से तो एम माइनस कर दोगे ओके सो नाउ लेट्स लेट्स सी हाउ टू यूज दी स्टेप्स ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टैग कहां यूज करेंगे ये वहां यूज करेंगे जहां पे आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू बार बार यूज करनी है फॉर एग्जांपल एक कोई कांस्टेंट है के एंड लेट्स टेक पाई बाय ठीक है अब आप इसको यूज करना चाहते हो रेगुलरली इन योर कैलकुलेशंस फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी हेल्प से टू थर्टी के निकालना है फिर आपको इसी वैल्यू की हेल्प से थ्री बाय टू के निकालना है ठीक है या फिर आपको फाइव टाइम्स अंडर रूट के निकालना है तो ये सारे ऑपरेशन के लिए आप क्या करोगे आप इस कॉन्स्टेंट को मेमोरी में सेव कर दोगे और जब भी आपको इस, इसका यूज करना है आप इसको रिकॉल कर लोगे तो सबसे पहले हम इसको स्टोर कर लेते हैं कैसे करेंगे तो लेट्स गो टू द कैलकुलेटर के की वैल्यू है टू पाई बाय सिक्सटी वेरी इजी टू मल्टीप्लाइड बाय पाए वी हैव डायरेक्टली पाए इन द टैब्स डिवाइडेड बाय सिक्सटी ठीक है एंड देन प्रेस इक्वल टू डेफिनेटली ये हमारा डेटा आ गया इसको मुझे स्टोर करना है तो क्या ही प्रेस करेंगे मेमोरी स्टोर जैसे ही आप ये एमएस पे क्लिक करोगे यहां पे आपको दिखाई दे जाएगा एम बटन इसका मतलब है कि आपने कुछ डेटा सेव किया हुआ है ओके okay. अब आपको क्या करना है टू थर्टी के निकालना है तो आप पहले क्लियर करो टू थर्टी टाइप करो मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे के से के कहा है के मेमोरी में है मेमोरी से बुलाना है मेमोरी से कॉल करना है रिकॉल करना है तो एम आर टाइप किया ये एम आर की वैल्यू आ गई जो आपने सेव की थी एंड देन प्रेस इक्वल टू ये आपका आंसर आ गया है ना नेक्स्ट अगर मुझे थ्री बाय टू के निकालना है तो थ्री डिवाइडेड बाय टू इन टू वापस से क्या करेंगे के के मतलब क्या मेमोरी में जो है वो मेमोरी से रिकॉल करो रिकॉल किया इन टू कर दिया सेम चीज ठीक है अब फाइव टाइम्स रूट के करना है तो क्या करेंगे फाइव मल्टीप्लाइड टाइम सॉरी मल्टीप्लाइड फिर हमें क्योंकि ये फंक्शन है तो पहले इनपुट देना है फिर फंक्शन बताना है तो इनपुट क्या है हमारा मेमोरी रिकॉल तो मेमोरी रिकॉल इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट देखिए स्क्वायर रूट ऑफ योर मेमोरी रिकॉल इंटू फाइव दिस इज योर दिस इज योर फाइनल आंसर क्लियर तो ये काफी बेनिफिशियल हो जाएगा जब आपको रिपीटेडली सेम टाइप की कैलकुलेशन करनी है ठीक है तो प्लीज मेक नोट ऑफ इट और एक बार आपका ये कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपने हर जगह यूज कर ली तो डेफिनेटली रिमेंबर टू क्लियर द मेमोरी कैलकुलेटर की मेमोरी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने सेम चीज वापस कहीं और यूज कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लियर द मेमोरी सो नाउ द एम इज रिमूव्ड बिकॉज मेमोरी इज क्लियर ओके नाउ सपोज के हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इस कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करनी है हालांकि ऐसा एक्सप्रेशन मे भी गेट में आए भी ना इतना लेंदी एक्सप्रेशन शायद आपको गेट में कभी देखने को ना मिले बट एज इट इज ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सो इसीलिए मैंने एक्सप्रेशन लिया है तो लेट्स गो फॉर इट तो इसको करने के आपके दिमाग में काफी तरीके हो सकते हैं तो फर्स्ट तरीका आपको आएगा विद यूजिंग द ब्रैकेट सो लेट्स डू विद दैट मेथड फिर आई विल टेल यू एक शॉर्टर मेथड ठीक है सो फर्स्ट थिंग 270 सेवेंटी इंटू साइन थर्टी टू सेवेंटी साइन करना है किसका करना है तो फर्स्ट इनपुट 30 का साइन 30 का क्या करें इसके साथ साइन ले लो साइन ले लिया ये साइन 30 का आंसर है पूरे क्वांटिटी का आंसर नहीं है पूरे क्वांटिटी के आंसर के लिए प्रेस इक्वल टू तो 135 थर्टी फाइव देन यू नीड टू एड दिस टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अब ये एक होल बंच है और जब भी बंच मिलेगा आपको क्या करना है ब्रैकेट लगाने तो यू विल ओपन ब्रैकेट यू विल टाइप वन फिफ्टी इन टू फोर्टी फाइव का साइन फोर्टी फाइव का साइन ब्रैकेट क्लोज एंड देन इक्वल टू टू फोर्टी वन पॉइंट जीरो सेवन एक और एक्सप्रेशन टाइप करते हैं तो वन ब्रैकेट ओपन वन सिक्सटी इन टू किसका साइन वन सिक्सटी का ही साइन सो वन सिक्सटी का साइन ले लो एंड देन ब्रैकेट क्लोज करो ये आपका आंसर आया है ठीक है अभी यहीं तक करते हैं आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो बट मैं आपको ये मेथड के लिए सजेस्ट नहीं करूंगी वाई बिकॉज यू कैन सी जब भी हम एक टर्म को ले रहे हैं वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट क्लोज द ब्रैकेट ओपन द ब्रैकेट क्लोज द ब्रैकेट वट विल आई डू इन स्टीड इज दैट आई विल यूज दिस एम प्लस बटन और बेसिकली मेमोरी स्टोर वाला बटन यूज करेंगे कैसे करेंगे लेट सी सो फर्स्ट थिंग 270 सेवेंटी सेवन तो इसको तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 270 सेवेंटी इन थर्टी का थर्टी का सॉरी टू सेवेंटी तो अब जैसे मैंने बोला था आप डिलीट नहीं कर सकते हो एक बार कोई एक्सप्रेशन यहां आ गया तो, तो क्या करना है वापस स्टार्टिंग करनी है तो वापस है टू सेवेंटी इन टू साइन थर्टी वन थर्टी फाइव अब इसको आप क्या करो मेमोरी में स्टोर कर दो मेमोरी में स्टोर करोगे तो यहाँ पे एम बटन आ गया आ जाएगा जैसा मैंने बोला था अब आप इसको क्लियर कर दो क्योंकि मेमोरी में जा चुका है अब आप आ जाओ इस टर्म पे 150 इन टू फोर्टी 45 का साइन 45 का साइन इक्वल्स दिस अब मैं क्या करूंगी मुझे ये एड करना है मेमोरी में मेमोरी में जो चीज स्टोर्ड है उसी में तो ये एड करना है तो वट विल आई डू आई विल जस्ट प्रेस एम प्लस जैसे ही एम प्लस प्रेस होगा ये ऑलरेडी जो मेमोरी में डेटा था उसके साथ ये एड हो चुका है आपको अलग से एड नहीं करना पड़ा प्रेस सी गो फॉर अदर टर्म अदर टर्म इज वन सिक्सटी इंटू साइन वन सिक्सटी सो दिस इज योर आंसर फॉर दैट टर्म इसको भी मेमोरी में एड कर दो ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेशन यहीं तक था तो यहीं तक कर लेते हैं अब इसको क्लियर करो अब आपको वापस चाहिए वापस चाहिए कि आंसर क्या है फाइनली ऐड तो करते गए लेकिन फाइनल आंसर क्या आया तो फाइनल आंसर के लिए क्या करोगे ऑब्वियसली आप रिकॉल करोगे कि बता दो आंसर क्या है तो आंसर देखो आ गया वापस से सिमिलर टू ओके सो दिस इज हाउ यू विल यूज एम प्लस बटन अगर यहीं पे इसी पे इसी में अगर मैं मॉडिफाई कर दूं और यहां पे होता इसकी जगह होता माइनस इसकी जगह होता माइनस Let's suppose, इन में प्लस है तो जहां जहां माइनस है वहां पे आप एम माइनस कर देते हैं जगह ठीक है तो सी हाउ मच यू कैन सेव योर टाइम वाइलिंग बटन ओके सो इसको जरूरी नहीं है आप यूज करो आप डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करो एंड देन प्रैक्टिस आप इसको परफेक्टली जान जाओगे एंड देन यू कैन यूज इट इन यूर फाइनल एग्जाम टू सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ द फंक्शन दैट आर अवेलेबल इन यूर कैलकुलेटर अब हम कुछ टू थ्री एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिसमें यह सारी कैलकुलेशन एक साथ यूज आ रही है आप भी साइमल्टेनियसली अपने अपने फोन या लैपटॉप में ये कैलकुलेटर ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एडवाइस ये है कि ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख लिया तो आपका टास्क खत्म आपको अब प्रो हो गए हो कैलकुलेटर में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है एवरीथिंग कैन बी अचीव ओनली वेन यू प्रैक्टिस तो आप उसको प्रैक्टिस करिए ठीक है रेगुलर जो रेगुलर प्रिपरेशन के टाइम पे आप जो भी कैलकुले करते हैं वो इस कैलकुलेटर की हेल्प से ही करिए तभी आप बिल्डअप कर पाएंगे इसकी हैबिट ठीक है तो लेट्स जस्ट डू टू थ्री मोर एग्जाम्पल्स टू सी वेदर यू हैव लर्न करेक्टली और नॉट सो दीज आर द एग्जाम्पल दैट वी विल सॉल्व टूडे सो फर्स्ट वन लेट्स गो फॉर इट सो फर्स्ट वन फिफ्टी पावर पॉइंट फाइव सो बिकॉज न्यूमरेटर इज अ वन बंच सो वी विल यूज brackets so how do we do it bracket open 50 power 50 power 0.5 okay then bracket closed divided divided with again bracket open 70 power 0.7 bracket close multiplied with 30 again bracket open 30 power 0.8 bracket closed this is this quantity now Power is 1 by 6. So, what we will do first, you can use this reciprocal one. So, power 6, but not 6, it's reciprocal. So, let's take reciprocal. Reciprocal is this, and this is not the final answer. Press equal to this is your final answer. I hope you understood, and everyone was doing with me, and they have got the exact answer as me. Okay, next one. Next one, let's proceed to it. So let's do the second example now. So it is two cos 30 divided by one minus under root of two sine 50. There can be many ways to proceed with this, but I will do in one go. Okay? You can do by using uh, memory buttons also, but I will do it in one go. Let's see how. So two into first I am taking the numer numerator. So two into cos of 30. So cos of 30 divided by now we have a bunch. So whenever you see a bunch, you use brackets. So let's use brackets. So bracket open 1 minus. Then again, there is a bunch. So again I'll be using a bracket. So bracket again open, then 2 multiplied by sine of fifty. So first enter the fifty value, then press sign, then close the brackets. Then you have to take it square root. So take the square root. then again close the bracket. एंड दिस इज योर फाइनल आंसर सी हाउ आई हैव डन इट इन फर्स्ट गो सो वो जीतेगा एग्जाम में जो हर कैलकुलेशन या फिर हर क्वेश्चन को फास्टली अटेम्प्ट करेगा एक्ूरेसी तो इंपॉर्टेंट है ही है बट साथ, साथ में आपका फास्ट होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए कैलकुलेशन वाइज बट कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आपको टाइम लग सकता है तो इसलिए आपको फास्ट रहना पड़ेगा एंड इसके लिए प्रैक्टिस इज ने so now let's do the last example i hope many of you have already calculated it so let's do it i'll use this function here so 5 power e okay so yeah yeah into 4 into this function so iskali cookie egg bunch, hai, i'll start with a bracket so 14 log base is 7 so bracket close this whole is divided by sine 58 का सिक्स रूट साइन फिफ्टी एट रूट सो अगेन आई एल ओपन अ ब्रैकेट फिफ्टी एट उसका साइन और फिर इसका हमें लेना है सिक्स रूट कौन सा रूट सिक्स रूट सो दिस इज योर फाइनल आंसर ओके सो दिस इज हाउ दिस कैलकुलेटर विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एग्जाम ठीक है सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बैचमेट्स और कॉलीग्स जो भी लोग फ्यूचर में गेट देने वाले हैं उनके लिए ये डेफिनेटली बेनिफिशियल होने वाला है बिकॉज देर आर सम थिंग्स अबाउट दिस कैलकुलेटर विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट अवेयर तो स्प्रेड अवेयरनेस ठीक है एंड यू नो शेयरिंग इज केयरिंग सो डेफिनेटली शेयर दैम दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज टेल अज इन द कॉमेंट बॉक्स एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव आज टू मेक सच मोर वीडियोज प्लीज सजेस्ट इन द कॉमेंट बॉक्स यू विल डेफिनेटली लुक फॉर इट Thank you. Have a nice day.